everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we will discuss about the direct repair mechanism. So several types of damages are repaired without removing a base or nucleotide, and the best example of direct repair is direct photo reactivation of cyclobutane pyrimidine dimers. Cyclobutane pyrimidine dimers generally जो consecutive pyrimidine होते हैं उनके बीच में बनता है by UV light induced reaction. अगर दो nearby दो consecutive pyrimidine है, so UV light induced reaction के भी की वजह से यहाँ पे cyclobutane pyrimidine dimer बनते हैं. This is first pyrimidine, this is the second pyrimidine, और इन दोनों के बीच में cyclobutane है. So this is structure of cyclobutane pyrimidine dimer. अब सवाल ये है कि इनका restorage कैसे होगा, इनका repair कैसे होगा. So pyrimidine dimer जो कि cyclobutane pyrimidine dimer है, इनका repair होते हैं बैक्टीरिया की अगर बात करें इकोलाई में, तो ये फोटोलाइजेस के थ्रू होते हैं. इसमें फोटोलाइजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट फोटोलाइजेस इज डीएनए फोटोलाइजेस. अब इस डीएनए फोटोलाइजेस में लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट्स होते हैं. बेसिकली यहाँ पे दो को फैक्टर होता है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट की तरह काम करता है. और लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर्स बोलते हैं. लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट को क्रोमोफोर बोलते हैं. इट मीन्स कि डीएनए फोटोलाइजेस में कितने क्रोमोफोर हैं? दो क्रोमोफोर हैं. Out of two chromophore, one chromophore is always FADH minus. एक chromophore हमेशा FADH minus होता है. जो दूसरा chromophore है वो क्या है? MTH polyglutamate. अब ये जो MTH polyglutamate है, ये बेसिकली ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करता है. एंड ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है, इट इज 300 टू 500 नैनोमीटर. MTHF polyglutamate ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करता है और ये एक्साइटेड होता है, और ये अपना एक्साइटेशन एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है? FADH माइनस को ट्रांसफर करता है, जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है. जब ये एनर्जी FADH माइनस पे आ जाता है, तो ये FADH माइनस एक्साइटेड हो जाता है, दैट इज एक्साइटेड FADH माइनस. अब ये जो एक्साइटेड FADH माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? साइक्लोब्यूटेन पायरिमिडिन डाइमर को. अब यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होते हैं, एंड आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट मोनोमेरिक पायरिमिडिन डाइमर्स रीस्टोर हो जाते हैं. मोनोमेरिक पायरिमिडिन डाइमर्स क्या होते हैं? रीस्टोर हो जाते हैं. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर ऑफ पायरिमिडिन डाइमर्स विथ फोटोलाइजेस. इकोलाई एंड इस्ट की अगर बात करें, तो इकोलाई एंड इस्ट में दो अदर क्रोमोफोर्स भी होते हैं, एंड दैट क्रोमोफोर इज फोलेट. एंड रिएक्शन मैकेनिज्म इंटेल्स द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. इसमें क्या होता है? अगर फोलेट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहां पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा. डीएनए फोटोलाइजेस की अगर बात करें, तो ये इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स विच इंक्लूड ह्यूमंस. अदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिपेयर इज द रिपेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विथ अल्काइलेशन डैमेज. इसमें क्या होता है? जनरली गुआनिन की जो बेस पेयरिंग होती है वो साइटोसिन से होती है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज द नॉर्मल बेस पेयरिंग. लेकिन गुआनिन के ओ सिक्स पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये क्या बनाता है? ओ सिक्स मिथाइल गुआनिन. ओ सिक्स मिथाइल गुआनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेगा, ये पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ. ये मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गुआनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है. मीन्स ओ सिक्स मिथाइल गुआनिन किसके साथ पेयरिंग कर रहा? थाइमिन के साथ पेयरिंग कर रहा. अगर ये थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, सो ये आफ्टर रेप्लिकेशन जी सी ए टी में कन्वर्ट हो जाएंगे. मीन्स गुआनिन अगर ओ सिक्स मिथाइल गुआनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जी सी रेशियो ए टी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा.
अब सवाल यह है कि इसका रिपेयर कैसे होता है। इसका रिपेयर में डायरेक्ट रिपेयर होते हैं और एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ओ सिक्स मिथाइल ग्वानिन का जो ओ सिक्स पे मिथाइल ग्रुप है इसको ट्रांसफर कर लेता है अपने सिस रेजिड्यू के SS ग्रुप पे। एंड इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंजाइम। क्यों नहीं इंजाइम है, क्योंकि सिंगल मिथाइल ट्रांसफर इवेंट परमानेंटली मिथाइलेट्स द प्रोटीन मेकिंग इट इनएक्टिव इन दिस वे। एंड द कंजम्पशन ऑफ इंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल टू करेक्ट ए सिंगल डैमेज बेस इज अनदर विविड इलस्ट्रेशन ऑफ प्रायोरिटी गिवन इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर DNA। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिपेयर इज एल्काइलेटेड बेसिस बाय अल्क बी प्रोटीन। यहाँ पे दो है, फर्स्ट वन इज द एडिनिन एंड सेकेंड वन इज द साइटोसिन। सो एडिनिन का जो अमाइनो ग्रुप है एंड साइटोसिन का जो अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल एड हो जाता है। जनरली एडिनिन एंड साइटोसिन का जो अमाइनो ग्रुप है वहां पे मिथाइल ग्रुप एड हो जाता है। कब ऐड होगा, जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में होगा। और ये मिथाइलेशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, प्रॉपर बेस पेयरिंग को। अब सवाल यह है कि ये मिथाइल ग्रुप हटता कैसे है। इकोलाई की अगर बात करें तो इकोलाई में ऑक्सीडेटिव डीमिथाइलेशन के थ्रू ये मिथाइल ग्रुप का रिमूवल होता है और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्क बी। अल्क बी की अगर बात करें तो इट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट Fe+2 डिपेंडेंट डाई ऑक्सीजनेज सुपर फैमिली प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा, CH2OH में कन्वर्ट करता है। CH2OH फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है एंड ये एडिनिन में रीस्टोर हो जाते हैं। सेकेंड वन इज 3-methylcytosine। 3-methylcytosine में भी सेम मिथाइल ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट होता है, CH2OH फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है एंड साइटोसिन इज रीस्टोर। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म।